अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। दोस्तों आपके साथ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज के हवाले से अहम तरीन अपडेट शेयर करूंगा और इसके अलावा अरबाब नियाज स्टेडियम के हवाले से भी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपका जो वक्त है वो बिल्कुल जाया नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की जो 3 ODI मैचेस की सीरीज खेली जानी है जिसका आगाज होना है 8 जून से। अब PCB एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं और PCB इस फैसले को करने पर मजबूर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा मसला चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गर्मी का, तो जिस वजह से अब PCB ने फैसला किया है कि इस गर्मी में PCB का जो पहला प्लान था कि 2 या 2:30 बजे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की जो ODI मैचेस की सीरीज होनी थी उसको हम 2:30 बजे यानी कि मैचेस शुरू करवाते, तो ये मैचेस लेट नाइट तक जरूर जाते लेकिन जो है मैचेस अपने टाइम पर जो है वो खत्म हो जाते। लेकिन अब PCB मजबूर हो चुका है इस गर्मी की वजह से कि गर्मी की शिद्दत इतनी है, मैच तो दूर की बात, खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये PCB ने आप कहा है अब जो मैचेस होंगे 3 ODI मैचेस, इनको शाम 4 बजे या शाम 5 बजे PCB शुरू करवाने के बारे में सोच रहा है ताकि खिलाड़ी जो है वो रिलैक्स होकर खेल सके। ये मैच और भी लंबा हो जाएगा, समझे कि अब इवनिंग टाइम पे ये शुरू होगा तो बहुत लंबा जाएगा। ODI फॉर्मेट का मैच है, तकरीबन 8 से भी ऊपर घंटे लगते हैं, तो तकरीबन 9 घंटे लग जाते हैं इस मैच को मुकम्मल होने में। तो PCB जो है अब इस तरह इसको प्लान कर रहा है कि जो 3 ODI मैचेस की सीरीज खेली जानी है। और इसके अलावा दोस्तों अरबाब नियाज स्टेडियम के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब जो उसकी चेयर्स हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं। अब जो उसका बेहतरीन काम से मुराद यह है कि उसकी रंगीनियाँ जो है वो शुरू हो चुके हैं। अब आपको एक नई लुक में अरबाब नियाज स्टेडियम नजर आएगा। अगर आपको अपडेट चलेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना।